ओके तो तुम लोगों का वापस से स्वागत है एक और नए वीडियो के, वो भी माइनक्राफ्ट के। और यार आज के इस वाले वीडियो पे मैं तुम लोगों को माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में एक ऐसे वर्ल्ड में लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे जाने के साथ तुम लोग एक सुपर मारियो खेल सकते हो, वो भी माइनक्राफ्ट में। और यार ये जो गेम है वो तुम लोग अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और बाकी अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी बिना किसी तरीके चलते हैं उस वर्ल्ड में, लेट्स गो। ओके तो यहाँ पे हम लोग इस वर्ल्ड में आ चुके हैं, और यार इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एकदम मारियो से कॉपी किया गया है, यार एकदम ज़्यादा सिमिलर लग रहा है। बाकी यहाँ पे हम लोग रूम में आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा रीड करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बी प्लेयर वन और प्लेयर टू है, यहाँ पे तुम लोग दो प्लेयर ही खेल सकते हो, अब एक और एक अपने साथ खेल सकते हो। यहाँ पे मैं अभी प्लेयर वन हूँ और मैं इसको प्रेस करूँ तो प्लेयर टू बन जाने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो सपोर्ट टू प्लेयर है, और ये अभी भी बीटा पे है। यार मैं एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, और यार ये बीटा वाला तो बिल्कुल मिलेगा रहा। बाकी यहाँ पे तुम लोग क्रेडिट्स देख सकते हो, मेड बाय एलियन एस गेम्स, आई थिंक सो मैं सही बोलाऊंगा। बाकी यहाँ पे नोट ब्लॉक कवर किया गया इससे जंपमैन माइनक्राफ्ट डिस्कॉर्ड, तुम लोग उनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे स्टार्ट बिग, ये आई थिंक सो मेरे को नहीं पता ये क्या होता है, स्टार्ट बिग ऑफ एंड ऑन, इसको ऑन कर देता है और यहाँ से सीधा चलते हैं गेम के अंदर, लेट्स गो। ओके तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैं एक मारियो बना हुआ हूँ, और ये क्या है यार, यहाँ पे मेरे को लगा हम लोग माइनक्राफ्ट में कुछ अच्छा करने वाले हैं। बाकी यार ये वाला जो सेटिंग्स है, इन्होंने जो मेहनत की है इसके पीछे, यार वो पूरा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सही है। बाकी यहाँ पे सच में ब्लॉक्स ब्रेक हो रहे हैं यार, और यार ये सच में हमको सुपर मारियो वाला फील दे रहा है, अगर तुम लोग अपने दोस्त के साथ खेलोगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी ये क्वेश्चन मार्क वाला ब्लॉक कैसे लेते हैं यार, यहाँ पे तो ब्रेक नहीं हो रहा, मेरे को नहीं पता उसको कैसे लेते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या आने वाले हैं इसके अंदर। और वे दस सेकेंड, यहाँ से हम लोगों को ऊपर जंप करके जाना है, नहीं हम लोग यहाँ से ऑलरेडी जंप करके जा सकते हैं, तो मेरे को वहाँ से जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और बार जंप करते हैं, लेट्स गो। और वे दस सेकेंड यहीं पर खड़े होकर जंप करते हैं, यार अब यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चलते हैं, ट्राई करते हैं। और वे दस सेकेंड यहाँ पर मैं हो जाता यार, और यहाँ से मैं डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ पा रहा, और वे दस सेकेंड यहाँ पर मैं गिर गया, तो यहाँ पर मैं यहाँ छोटी बन गई यार, मेरे को इस बार अच्छे से करना होगा। और वेट आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ, क्या अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर से गिरूँ इस क्वेश्चन वाले बॉक्स में तो क्या। और वेट सेकेंड हम लोगों को तब भी कुछ भी नहीं हुआ यार, पता नहीं इसको कैसे ब्रेक करना है, क्या आई थिंक सो मेरे को कुछ क्लिक करना होगा। और वेट सेकेंड यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, और यहाँ पे इन्वेंटरी खोल के देखते हैं उसके अंदर क्या है यार। और वेट सेकेंड यहाँ पे एक एप्पल लिखा हुआ है, कांट मूव आइटम्स, कांट बी मूव ड्रॉप, ये सब क्या लिखा हुआ है यार। बाकी यहाँ पे दिस आइटम इज नॉट लॉस्ट ऑन डेथ, यार मेरे को नहीं पता इसका क्या मतलब है। बाकी यहाँ पे अगर तुम लोग हमारे खेलते देखोगे तो यार एकदम छोटा सा है। बाकी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और वेट अ सेकंड हम लोग ने यहाँ पे तक तो पूरा कर दिया, जहाँ तक नहीं किया वहाँ तक जल्दी से चलते हैं यार। अरे अभी तो ईजी है, पर मैंने यहाँ पे एक और बार ट्राई किया हुआ है, तो वहाँ पे मेरे को बीच बीच में लेजर पता नहीं कैरेक्टर्स क्या क्या मिल रहे थे, तुम लोग जरूर ट्राई करना। बाकी यहाँ से इस बार ऊपर जंप करना है, और यहाँ से डायरेक्ट उस तरफ जंप करते हैं यार। और वे तो सेकेंड इस बार मैं बच गई, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ था। बाकी यहाँ से ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। और वे तो सेकेंड क्या मेरी हाइट छोटी है तो मैं जंप नहीं कर पा रहा यार, नो वे, यहाँ पे मैं अपनी हाइट कैसे बढ़ाऊँ। और वेट शायद हो जाएगा, एक और बार ट्राई करते हैं। और वेट हो ही चुका है, और यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ। और वेट यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे अगर डी दबाऊँ अपना तो यहाँ पे स्क्रीन में ऊपर हो रहा है, आई थिंक सो तुम लोग को स्क्रॉल करना होगा। बाकी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन मार्क क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, मेरे को पक्का मेरे को एक यूट्यूब में वीडियो देखना होगा इसके लिए। बाकी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और वे तो सेकेंड यहाँ से लेज़र निकलते हैं यार, यहाँ पे पता नहीं कभी भी लेज़र निकल जाते हैं, अगर मैं लग रहा तो मैं बच के निकल सकता हूँ। वेट 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 यार, यहाँ पर मैं नीचे गिर गया था, अगर यहाँ से लेज़र निकल जाता तो यहाँ से वापस मर जाता मैं। और आई थिंक सो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है निकलने के लिए, तो यहाँ से जल्दी से जंप कर लेते हैं और उसके बाद वाले लेवल पर चलते हैं। और वेट अ सेकेंड वहाँ से निकला तो यहाँ से भी नहीं निकलने वाला है, तो यहाँ से भी निकल लेते हैं। और वेट यहाँ से मैं आगे नहीं जाने वाला, क्योंकि आगे वाला तुम लोग खुद खेल के बताना तुम लोगों को कैसे लगा, क्योंकि आगे जाते जाओगे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो बाकी तुम लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से तुम लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। बाकी यार आज के इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।